मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों माई गॉव पर मैंने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी। यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मोहम्मद असलम का था। उन्होंने लिखा, मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरे विचार से यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा संवाद किया। भाई मोहम्मद असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई, और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पूरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर के लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब है, कितने उत्साही है, ये इस कार्यक्रम से पता चलता है। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग 4,500 पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गांव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी है या नहीं, पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी सेवाएं सामान्य मानवी के जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर सकती है। गांव वालों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को बताया। साक्षरता, सेक्स रेशियो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, बिजली पानी, बालिकाओं की शिक्षा, सीनियर सिटीजन के प्रश्न, ऐसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई। साथियों, ये कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गांव में घूमकर वापस लौट आए, लेकिन इस बार अधिकारियों ने 2 दिन और 1 रात पंचायत में ही बिताई। इससे उन्हें गांव में समय व्यतीत करने का मौका मिला, हर किसी से मिलने का प्रयास किया, हर संस्थान तक पहुंचने की कोशिश की। इस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया। खेलो इंडिया के तहत बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराई गई। वहीं स्पोर्ट्स किट्स, मनरेगा के जॉब कार्ड्स और SC ST सर्टिफिकेट भी बांटे गए। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए गए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सव बन गया, जन भागीदारी का उत्सव बन गया, जन जागृति का उत्सव बन गया। कश्मीर के लोग विकास के उत्सव में खुलकर के भागीदार बने। खुशी की बात यह है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन ऐसे दूर दराज के गांवों में भी किया गया जहां पहुंचने में सरकारी अधिकारियों को दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी कभी 1 दिन 1.5 दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुंचे जहां हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के साये में रहते हैं। यही नहीं, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिले के अति संवेदनशील इलाके में भी अधिकारी बिना किसी भय के पहुंचे। कई अफसर तो अपने स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि वे 2 दिनों से अधिक समय तक गांवों में रुके रहे। इन इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होना, उसमें बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना और अपने लिए योजनाएं तैयार करना, यह सब बहुत ही सुखद है। नया संकल्प, नया जोश और शानदार नतीजे, ऐसे कार्यक्रम और उसमें लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति बम बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है। ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते।